नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। YouTube पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली इंडियन आइडल की पूर्व प्रतिभागी फरमानी नाज इन दिनों काफी चर्चा में है। फरमानी नाज से कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस समय नाराज चल रहे हैं। वजह है कि फरमानी ने भगवान शिव के ऊपर एक गीत गाया है। इस पर देवबंद के उलेमा ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि शरिया कानून के तहत गाना गाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि गाना गाना हराम है। मुस्लिम मानने वाली महिलाओं को गाना गाने से परहेज करना चाहिए। उलेमा के बयान के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। फरमानी ने कहा है कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। जब मैं गाना गाती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये फरमानी नाज है कौन। सोशल मीडिया और यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले इंसान जानते होंगे कि फरमानी नाज अपने गानों की वजह से चर्चित रह रही हैं। फरमानी नाज यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की एक जानी मानी गायिका हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके यूट्यूब पर 3.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंडियन आइडल के सीजन 12 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद उनको पहचान मिली। साल 2017 में उन्होंने मेरठ के इमरान से निकाह किया था। इसके बाद उनको एक बेटा हुआ। बच्चा होने के बाद फरमानी के ससुराल वालों ने उनकी मां से बच्चे के मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए कहा, जिसके बाद से फरमानी अपने मां के साथ रहने लगी। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी मुश्किलात झेलने के बाद फरमानी की पहचान कैसे बनी? दरअसल फरमानी बहुत दिनों से गाने गाती थी। एक दिन एक शख्स ने उनके गाने का एक वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया। इस गाने के बाद फरमानी को सोशल मीडिया पर बहुत सराहना मिली, जिसके बाद फरमानी ने इंडियन आइडल में हिस्सा लिया और जजों को भी काफी प्रभावित किया। लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो इसे छोड़कर चली आई। लेकिन समय समय पर वो अपनी गायकी के वीडियो YouTube पर अपलोड करती रहती हैं और इसी से होने वाली कमाई से उनका गुजर बसर हो रहा है।